अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज मैं क्योटो शहर के नॉर्थ एरिया में हूँ और यहाँ पे बहुत खूबसूरत ग्रीनरी है, मौसम बहुत प्यारा है। तो इस एरिया में मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर ये रिवर है, यहाँ से जो जा रहा है, इस रिवर का नाम है ताकानो रिवर और बहुत ही खूबसूरत जगह है ये। ऊपर ग्रीनरी ही ग्रीनरी है इधर, और इस जगह पर आने का मकसद ये है कि यहाँ पे एक केबल कार है और रोप वे है, जो कि आज मैं वीकेंड भी इंजॉय करने आया हूँ। वो केबल कार और रोप वे जो है वो इस पहाड़ के ऊपर जाएगा। यहाँ से दरख्तों की वजह से सही तरह नज़र नहीं आ रहा, पर ये छोटा सा स्टेशन एक बना हुआ है जहाँ से ये एजान केबल एंड रोप वे जा रही है, और टॉप पे जाने के बाद हमें इस तरह का व्यू मिलेगा ऊपर से, और ये व्यू एंजॉय करने के लिए हम जा रहे हैं। और इसके अलावा वहाँ पे ऊपर एक म्यूज़ियम भी है, और इसका जो टिकट है वो अभी मैंने परचेज़ किया है। ये टिकट मैंने रोप वे और केबल कार दोनों का मिलाकर 1800 येन में मुझे टिकट मिला है। और अभी चले आए मेरे साथ, चलते हैं हम इस रोप वे के ऊपर। ये केबल कार आ चुकी है और इसी केबल कार में हमने जाके बैठना है। ये इस जगह का नाम है और इस पहाड़ का नाम है माउंट हे। और चले आए, देखते हैं, अभी यहाँ से दरवाज़ा खोलेंगे तो हमें एंट्री मिलेगी। ये फीमेल इन्होंने यहाँ पे खड़ी की हुई है और ये हर बंदे को थैंक यू बोल रही है जिन्होंने ये सर्विस यूज़ की हुई है। और जापान में ये बहुत कॉमन है, आप किसी भी एरिया में जाओगे वहाँ पे उन्होंने स्टाफ खड़ा किया हुआ होता है जो कि आपको इस तरह से थैंक यू बोल रहा होता है, आप अगर आप उनकी सर्विस यूज़ करोगे तो। はい、お願いします。はい、切らずにそのままお進みください。どうぞ。はい、ありがとうございます。तो जी, ये है एजान केबल कार और इसका अंदर से भी विजिट करते हैं। ये अंदर से कार बनी हुई है और पहली प्रायोरिटी मेरी यही है कि जाके पहली पहली सीट ले ली जाए ताकि आप लोग को व्यू अच्छा मिले। ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये 1925 से ये ट्रेन चल रही है और ऑलमोस्ट इसको 100 साल हो गया बने हुए। यहाँ पे आके इनकी पटरी चेंज होती है। ये केबल कार का स्टॉप आ गया और ये अभी हम लोग केबल कार के टॉप पॉइंट पे आ गए हैं। और ये व्यू है, पर यहाँ पे बारिश बहुत ज़बरदस्त हो रही है ऊपर टॉप पर। बहुत ही खूबसूरत व्यू है यहाँ से। बादल बिल्कुल हमारे नज़दीक है। ये अभी ये फाइनल टॉप व्यू नहीं है, वो यहाँ से अभी हमने रोप वे लेनी है। रोप वे के ऊपर हम लोग, रोप वे से हम मज़ीद ऊपर जाएंगे और वहाँ से हमें फ़ाइनल व्यू मिलेगा। मैं तो आया हूँ केबल कार से, अगर कोई बंदा हाइकिंग करके आना चाहता है उसके लिए भी यहाँ से रास्ता है।
और ये इन्होंने यहाँ पे नाम लिखा हुआ है, एजान जो है वो केबल कार थी और हे जो है वो इस माउंट का नाम है, माउंटेन का नाम है, तो इन्होंने मिला के लिखा हुआ है एजान। और इसके इस बिल्डिंग के दूसरी तरफ से इस तरफ से रोप वे का रास्ता जाता है। अब हम लोग रोप वे पे से मज़ीद इसके ऊपर वाले एरिया में जाएंगे। और अब ये है जी एजान रोप वे, इसके थ्रू हमने जाना है जी टॉप व्यू पे। और यहाँ से ही आप देख सकते हैं कि ऊपर का व्यू कितना खूबसूरत होगा। और ये बिल्कुल बादलों में ये रस्सी जा रही है और हमने वहाँ पे जाना है। अब जो है ये रोप वे चल पड़ी है और व्यू आपके सामने नजर आ रहा होगा, हम बादलों की हदूद में एंटर होते हुए। ये मैं अब टॉप व्यू पे आ गया हूँ और इस टॉप व्यू के ऊपर आप ये देखें, यहाँ तक गाड़ियां भी आती हैं और इवन यहाँ पे बस स्टेशन भी बना हुआ है, जो कि लोग बस पे भी यहाँ पे आ सकते हैं। और मौसम ख़राब होने की वजह से, बारिश की वजह से व्यू तो शायद हम नहीं देख सकेंगे आज, पर इंजॉय करने के लिए बहुत ही खूबसूरत साइट सीइंग स्पॉट है ये। और इन बादलों में तो और भी मज़ा आ रहा है यहाँ पे घूमने का। और इस साइड पे यहाँ पे इनका एक गार्डन म्यूज़ियम भी है, टॉप व्यू के ऊपर इन्होंने यहाँ पे एक म्यूज़ियम भी बनाया हुआ है। इसकी एंट्रेंस यहाँ से है और इसका टिकट जो है वो 600 येन है। ये व्यू यहाँ से नज़र आना था और इन्होंने यहाँ पे डिटेल भी बताई हुई है कि ये कौन सा पॉइंट है, क्योंकि यहाँ से देखें क्योटो इम्पीरियल पैलेस, निशियामा हिल, क्योटो सिटी अर्बन एरिया, क्योटो स्टेशन, इवन ओसाका सिटी का भी अर्बन एरिया यहाँ से नज़र आ रहा है। पर आज व्यू ख़राब होने की वजह से इस वीडियो में कुछ नज़र नहीं आ रहा, पर मौसम इंजॉय करने के लिए बहुत ही खूबसूरत जगह है ये। अगर आप लोग इस एरिया में आए तो ज़रूर क्योटो के इस साइट सीइंग स्पॉट पे आइएगा। तो ये थी नाज़रीन आज की वीडियो, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की किसी खूबसूरत सी साइट सीइंग स्पॉट पे या किसी इंफॉर्मेटिव वीडियो में।